इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज क्रिकेटरों ने भारत की नेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) को टेस्ट क्रिकेट के लिए खतरा बताया है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल आथरटन का मानना है कि IPL ने युवा खिलाड़ियों को कई मौके मुहैया कराए हैं, लेकिन साथ ही क्रिकेट के खेल में बाधा भी उत्पन्न की। आथरटन ने यह बात पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली की किताब ए सेंचुरी इज नॉट इनफ के विमोचन कार्यक्रम में कही। T20 लीग की बढ़ती लोकप्रियता पर आथरटन ने कहा, किसी भी अन्य उद्योग की तरह क्रिकेट में भी बाधा पहुंची है। IPL बाधा पहुंचाने वाली प्रतियोगिता है जो खिलाड़ियों को विकल्प और मौके देता है। उन्होंने कहा, हम अब भी यहां इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट को अच्छी तरह बेचते हैं। भारत में टेस्ट मैचों के दौरान मैदान भले ही खाली दिखे, लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि वे कहीं बड़े मैदान हैं। मैं भविष्य को लेकर आशावान हूँ। गैटिंग ने कहा, यह दुखद है कि भारत में फैंस टेस्ट मैच देखने उतनी संख्या में नहीं आते, लेकिन मेरा अब भी मानना है कि टेस्ट क्रिकेट के लिए जगह है। वहीं गांगुली ने सुझाव दिया कि अधिक दिन रात्रि टेस्ट आगे बढ़ने का तरीका है। उन्होंने कहा, नौकरी करने वाले लोगों के लिए यह मुश्किल है कि वे पूरा दिन काम से दूर क्रिकेट के मैदान पर बिताएं।